एयरपोर्ट प्रो का वारंटी चेक कैसे करें? जी दोस्तों, अगर आपके लिए जो है एयरपोर्ट प्रो रखा हुआ है और उसका जो वारंटी है वो चेक करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। साथ में जो है दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग का जो एयरपोर्ट प्रो है उसका जो वारंटी है वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप चेक कर सकते हो कि आपने जो है आपका जो वारंटी है वो कब ख़त्म हुआ है, कैसे ख़त्म हुआ है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डेट वगैरह, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है एयरपोर्ट प्रो को ले लेना है और उसमें आपको सीरियल नंबर आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो ये एयरपोर्ट रहेगा उसके अंदर इस तरीके से आप ओपन करेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट को, तो यहाँ पे छोटा सा साइड में अंदर में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। इसी सीरियल नंबर के थ्रू आप जो है अगर चेक करोगे अपना जो वारंटी है तो वो होता है, ठीक है ना। तो ये हमने डिवाइस के थ्रू बता दिया कि सीरियल नंबर आपको कहाँ पर मिलता है, जो कि यहाँ पर अंदर मिलता है, ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं। अब जो है दोस्तों, उसके बाद आप जो है अगर अपने आईफोन में अपना जो एयरपोर्ट जो प्रो है उसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कैसे आपको जो है सीरियल नंबर के थ्रू और साथ में जो है वारंटी कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आईफोन है और आईफोन में हम जो है अपना जो एयरपोर्ट रहेगा उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जो कनेक्ट कर लेंगे और जब ये कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों तो कनेक्ट करने का जो काम है वो काफ़ी आसान होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो अपने आईफोन में ब्लूटूथ ऑन करें और यहाँ पे अपना जो एयरपोर्ट है उसको ऑन करें और यहाँ से आप कनेक्शन कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। जब कनेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप जब ओपन करेंगे आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा एयरपोर्ट प्रो करके लिखा हुआ ऑप्शन, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, इसी ऑप्शन में आपको जो है सारा का जो सारा डिटेल वो मिल जाएगा। अब मान लेते हैं दोस्तों आपका जो आईफोन है उस पर जो है ये जो ऑप्शन है एयरपोर्ट प्रो नहीं आता है, तब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एयरपोर्ट को नीचे रख देता हूँ और उसके बाद जो है दोस्तों मैं जो है अपने आईफोन में जो है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया हूँ अपने एयरपोर्ट प्रो को, ठीक है। तो अब आप जो है कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको ब्लूटूथ पे आ जाना है अपने सेटिंग ऐप के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, सेटिंग ऐप के अंदर आपको आ जाना है अपने आईफोन में और यहाँ पर नाम अगर नहीं दिखाता है तब आपको जाना है ब्लूटूथ के अंदर। ब्लूटूथ के अंदर जब आप आ जाओगे, यहाँ पे आपने जो एयरपोर्ट प्रो है उसको कनेक्ट कर रखा है तो इसी के साइड में आपको एक आई बटन दिख जाएगा, पहले आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे जो प्रोसेस है वो होगा। तो मैंने कनेक्ट कर रखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कनेक्टेड करके, ठीक है। तब यहाँ पर जब ब्लूटूथ सेटिंग के अंदर आप आओगे तो यहाँ पर नाम लिखा रहेगा एयरपोर्ट प्रो, इसी के बगल में आई बटन रहेगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। सेम ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आ चुका है जो वहाँ पर आया था सेटिंग ऐप के अंदर एयरपोर्ट प्रो नाम से लिखा हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल गया, कैसे आना है मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे आप आ जाइएगा, ये देखिए। और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको बताता हूँ वारंटी कैसे चेक किया जाता है। अब जो है बहुत सारे भाई लोग का वारंटी होगा तो कैसे होगा और बहुत सारे भाई लोग का वारंटी नहीं है तो कैसे होगा और जिन लोग का भाई लोग का जो है वारंटी ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया, तो वो कैसे पता कर पाएंगे कि उनका वारंटी कब ख़त्म हुआ है करके, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से जब आप आ जाएंगे, नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों सीरियल नंबर, यहाँ पे मिल जाएगा एक डिवाइस के अंदर कैसे मिलता है वो बताया और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सीरियल नंबर। अब इसी के नीचे में एक यहाँ पे मिलेगा लिमिटेड वारंटी एक्सपायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा डेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे बताया जाएगा लिमिटेड वारंटी एक्सपायर 2 अक्टूबर 2024, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को हमारा एयरपोर्ट का जो वारंटी है वो एक्सपायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बताएं नीचे में तो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि लिमिटेड वारंटी एक्सपायर 2/10/24 यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को ये एक्सपायर होगा इसका वारंटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वारंटी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाओगे अगर आपका एयरपोर्ट प्रो या फिर एयरपोर्ट जो भी आप रखे हो उसका जो है यहाँ पे अगर वारंटी चेक करना है तो कुछ इस तरीके से चेक कर पाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई लोगों का जो है जैसे कि बताया कि वारंटी जो एक्सपायर हो गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा वारंटी एक्सपायर, तो वो कैसे पता करेंगे कि उनका जो वारंटी है वो कब ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे आपको जो है बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे आना है। नीचे में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर जो है उसको आपको कॉपी कर लेना है। ये देखिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है, तो कॉपी कैसे करते हैं आपको इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कॉपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो ये सीरियल नंबर रहेगा वो इस तरीके से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया है सीरियल नंबर को। अब यहाँ पे हम जो है कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे जिसकी मदद से हम जो है सीरियल नंबर के थ्रू हमारा जो वारंटी रहेगा उसको चेक कर पाएंगे। दोस्तों ये जो स्टेप है वो उन लोग के लिए है जिनका जो है वारंटी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है करना क्या होगा, अपने जो ब्राउज़र है उस पर आपको जो है आ जाना है। जैसे कि गूगल का क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो गूगल का क्रोम ब्राउज़र मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एप्पल चेकर करके, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और यहाँ पे चेक कवरेज पे क्लिक करेंगे। चेक कवरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है सीरियल नंबर लिखने का। तो मैंने आपको बताया सीरियल नंबर कैसे आप लिख सकते हो, कॉपी कैसे करोगे, मैंने कॉपी करके किया है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। दोस्तों सीरियल नंबर आपको कैसे मिलेगा मैंने आपको पहले बता दिया डिवाइस के अंदर, और यहाँ पे जब आप कनेक्ट कर लोगे अपने आईफोन से तो आईफोन के अंदर कैसे यहाँ पे सीरियल नंबर बताता है वो बता दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे हम कैप्चा जो है उसको देख देख के फिल कर लेंगे, ठीक है। सही कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं जो है कैप्चा को फिल कर देता हूँ। तब तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर दिया, सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपका जो है जो है यहाँ पे एयरपॉड प्रो वो कौन सा है। तो सेकेंड जनरेशन का यहाँ पे आप देख सकते हो है हमारा, और इसका जो परचेज डेट है वो जो है अक्टूबर 2023 है, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा परचेज डेट, आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हो। दोस्तों आपका जो ये एयरपॉड रहता है उसका जो वारंटी है वो जो है एक साल के लिए रहता है, ठीक है, जब आप इसको नया लेते हो तब। तो दोस्तों एक साल के लिए वारंटी रहता है, तब आप यहाँ पे हिसाब कैसे लगाओगे मैं आपको बताता हूँ, यानी कि आपका जो वारंटी है वो कब ख़त्म हुआ है वो कैसे जानोगे वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको परचेज दिखाएगा परचेज डेट दिखाएगा जो कि रहेगा अक्टूबर 2023। दोस्तों आपको डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, यानी कि दिन जो है जैसे 7 तारीख को 1 से लेकर 31 तारीख के जो बीच का जो डेट है, ठीक है, डे है, वो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मंथ यहाँ पे पता चलेगा जो कि है अक्टूबर 2023। तो इसका जो वारंटी है वो कब ख़त्म होगा एक साल के अंदर, अक्टूबर में ख़त्म होगा आपका जो है 2024 में मेरा वाला, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है कि अभी मेरा जो वारंटी है वो मेरे को है अभी, तो यहाँ पे मेरे डिवाइस पे तो आपको दिखाई दिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया कैसे चेक करते हैं करके, सेटिंग ऐप के अंदर गया और यहाँ पे मेरे को बता रहा है डेट 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे वारंटी नहीं रहता, वारंटी यहाँ पे नहीं दिखाता, ठीक है ना, कि एक्सपायर करके लिखा हुआ था वारंटी एक्सपायर, तो यहाँ पे मैं आता और यहाँ से मैं हिसाब लगाता। कैसे हिसाब लगाता कि परचेस मैंने कब किया था, अक्टूबर पे किया था 2023 का, तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपायरी होगा एयरपॉड प्रो का जो वारंटी है वो होगा अक्टूबर में 2024 को, इस तरीके से मैं हिसाब लगा पाता। तो दोस्तों यहाँ पे सीधी तरीके से अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे अगर जो है आपका जुलाई 2023 लिखा हुआ है तो आपका वारंटी जो है जुलाई 2024 में हो जाएगा एक्सपायर, ठीक है। इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हो कि आपका वारंटी कब ख़त्म हुआ होगा करके। तो मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि आप जो है अपने एयरपॉड प्रो का वारंटी कैसे चेक कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो करके। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।